अरे तुम्हारे नुपुर शर्मा ने एक बात बोली तब तो तुम्हारे में घोघलाहट खड़ा बाल उतर गया। अरे चाइना में तो दाढ़ियां काटी जा रही है, जुम्मे पर पाबंदी लगी हुई है, कंसंट्रेशन डिटेंशन सेंटर में रख रखा है। वहां तुम्हारी माँ ने, ये मैं हिंदुस्तान को नहीं बोल रहा, ये 56 मुस्लिम कंट्री को बोल रहा हूँ, वहां तुम्हारी माँ ने इतना दूध नहीं पिला रखा कि तुम चाइना से जाके बोल जाओ। अरे तुम पे थू है, तुम्हारी कौम पे थू है, तुम ऐसे लोग हो हमारे देश के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो हमारे देश की बदनामी तो मत करवाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे सरिया कानून आना चाहिए तो यार दूसरे देश में चले जाओ ना। इनको योगी से इतनी नफरत क्यों हो रही है? हम 10,000 रुपये लगाने वाले बंदे हैं और 500 रुपये डेली का कमाने वाले बंदे हैं, वहाँ पे कुछ कौम ऐसी है कि 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट है बस, खाली एक चाकू का, चाकू इधर पैसे का बस, यही 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। ये मोदी ने खत्म कर दिया, अब मोदी ने खत्म कर दिया तो इनकी दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई तो बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी हो गई तो योगी ने इन पर अत्याचार कर दिया। अब भाई ने कुछ नहीं दिख रहा, अभी ने 500 रुपये में पत्थरबाजी करनी है। और रही बात, अभी आपको पता है सुदीन ओवैसी पे FIR हुई है, ठीक है, अब थोड़ा इसमें मैं डीप में हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। इस पे FIR नहीं होनी चाहिए थी सुदीन ओवैसी पे, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था। ये AIMIM संगठन से आते हैं, 48 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी माँ बहन जो करी थी ना, इनकी सोच देखो, ये हैदराबाद को एक अलग देश बनाना चाहते थे, ये पाकिस्तान से जोड़ना चाहते थे, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मुस्लिम संगठन जो पाकिस्तान के उसमें रहता है, बांग्लादेशियों की सोच में रहता है, वो हिंदुओं के लिए कहाँ अच्छा सोच सकता है भाई साहब। नो, कासिम रिजवी था AIMIM संगठन बनाने वाला, 9 साल जेल में रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई, 9 साल जेल निकलने के बाद सीधा पाकिस्तान भग गया, नागरिकता भी मिल गई। सोचो AIMIM संगठन वो है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी है। कि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम भाई है तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे कोई मुस्लिम जात बिरादर हो, तुम्हारे धर्म के बारे में बुरा बोला जाता है तो तुम एकदम से रोड पे आगे खड़े हो जाते हो, या तो तुम लोग कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ठान ले तो इनसे भाई बदला लेना है। तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ भाई, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, बदरपुर क्षेत्र के अंदर, अगर मेरे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में किसी कटमुल्ले ने मेरे दिल्ली NCR के अंदर बोला तो साले घुस के मारूंगा, देखी जाएगी, जान की परवाह नहीं है। और भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ।